झारखंड में भी नकली शराब का खतरा बढ़ गया है। झारखंड की नकली शराब की मांग बिहार में बढ़ गई है। लाइसेंसी दुकानों में भी नकली शराब बेचे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुजा, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। झारखंड के कई शहरों में भी नकली शराब का कारोबार फल फूल रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में ही इस साल 2004 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त की गई है। इसमें प्रमुख रूप से 314 लीटर देशी शराब और 344 लीटर बियर शामिल हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्ती से उन जगहों की तलाश नहीं कर पा रही है जहां नकली शराब का कारोबार चलता है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल से नवंबर तक अवैध शराब बिक्री में 67 लोगों को जेल भी जाना पड़ा है और इस मामले में अब तक 393 कारोबारी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इस समय लगभग 669 केस दर्ज किए गए हैं। झारखंड के नकली शराब की बिहार में मांग अब बढ़ गई है। झारखंड में नकली शराब के कारोबार को इस तरह समझा जा सकता है कि रांची से भी नकली शराब की सप्लाई बिहार के कई इलाकों में होती है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रांची में इस तरह के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें नकली शराब बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। रातू पुलिस ने 16 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त किया था और इसके साथ एक गाड़ी भी पकड़ी गई थी, जिसे बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। नकली शराब सिर्फ बिहार भेजने के मामले नहीं है, झारखंड के कई शराब दुकानों में नकली शराब की बिक्री का मामला भी सामने आया है। झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन की ओर से शराब दुकान का ठेका एक कंपनी को दिया गया है। अब तक शराब में मिलावट करने के आरोप में कर्मचारियों को जेल भी भेजा गया है। नकली शराब कारोबारी नीरज गुप्ता को अब तक बिहार और झारखंड पुलिस नहीं तलाश सकी है। नीरज गुप्ता चांडिल में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाता था, जिसे बिहार समेत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सप्लाई किया जाता था। नीरज गुप्ता द्वारा भेजे गए नकली शराब से लदे ट्रक को बेगूसराय और बिहटा पुलिस ने पकड़ा था। झारखंड में भी अगर इस तरह के मामलों पर प्रशासन सख्त नहीं हुआ और सुरक्षा बलों ने इस बढ़ते मामले पर कार्रवाई नहीं की तो बड़ा मामला सामने आ सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के साथ। नमस्कार।